यदि यज्ञम स्कुर्यात् मम सम्मति गृह्णीयात्। यदि आप कोई यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हवन करवा रहे हैं, जो भी कुछ है, तो आप क्यों करवा रहे हैं, इससे क्या होगा, इसको किस प्रकार से किया जाता है, इस सब कुछ ये आपसे चाह रही हैं कि मेरे को साथ लेकर के मुझको बताएं इस यज्ञ से क्या होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको वाम भाग में स्थान, मैं आपके वाम भाग में आऊंगी, अगर मेरा आप पहला वचन स्वीकार करते हैं। स्वीकार है ब्राह्मणेभ्य भिक्षुकेभ्य, याचक को, ब्राह्मण को गऊ का दान कर रहे हो, भूमि दान कर रहे हो, अन्न दान कर रहे हो, जल दान कर रहे हो, प्याऊ लगवा रहे हो, जो भी आप शुभ कर्म करें उस शुभ कर्म को मेरे साथ सहभागी होकर के करें, जिससे कि वह शुभ कर्म पूर्ण फल प्रदान करने वाला हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपके वाम भाग में स्थान ग्रहण करती हूँ। कोई बात ना, सुनंदो बैठ, खड़े खड़े सुनंदो, तो मैं आपके वाम भाग में स्थान ग्रहण करती हूँ, ये मेरा दूसरा वचन स्वीकार है। पालन कुरियात, तीन तरह की अवस्थाएं हैं, बाल, युवा और वृद्ध। बाल्यावस्था इन्होंने अपने माता पिता के घर में बिताई है, बड़े लाल पाल से इन्होंने, माता ने, परिवार वालों ने, सबने इनको रखा है, वाणी को समय समय पर बहुत प्यार भी किया है, समय समय पर डांटा भी गया है, तो वह स्थिति हमारे साथ भी रहे, हम भी इसका पालन दोनों अवस्थाओं में अच्छे से करें, ये चाह रही है, और इसको किसी तरह की कोई चीज की कमी ना आवे, दोनों के भीतर प्रेम की प्रीति की स्थिति बनी रहे। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपके वाम भाग में स्थान ग्रहण करती हूँ। तीसरा वचन, धनादि गोपने मम सम्मति गृह्णीयात्। आपने कहीं बैंक बैलेंस वगैरह करवा रखा है, बैंक बैलेंस का तो कोई मतलब नहीं, ओटीपी मैंने आज है ना, ओटीपी आना चाहिए, कहने का ये तो खैर मजाक की बात, कहने का तात्पर्य होता है क्यों जानकारी करानी चाहिए। पहले समय में ऋण लेकर के और ऋण दे करके चले जाया करते थे, उसका बहुत बड़ा दोष भी लगता था, तो हमारे ऊपर किसी का ऋण नहीं रहे और हम किसी के ऋणी ना रहे, है ना, उस स्थिति से सब कुछ बताया जाता था पत्नी को कि यह संपत्ति हमारी है, ये परिवार वाले हैं, ये जेठ हैं, ये ससुर हैं, ये पूरा परिवार है हमारा, ये सब कुछ बताया जाता है, कुछ छिपाया नहीं जाता, मूल तत्व तो यह है, पर वहाँ यह आ गया कि बैंक बैलेंस वगैरह जो भी है सब कुछ बताना है, तो बताना तो सब कुछ ही है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपके वाम भाग में स्थान ग्रहण करती हूँ। पांचवा वचन स्वीकार, चौथा स्वीकार है, विक्रय विक्रय मम सम्मति गृह्णीयात्। पहले एक ही व्यापार था, खरीदना, पशुओं को बेचना, खरीदना बेचना खरीदना, तो आज जो व्यापार करते हैं, जो भी व्यापार आप करते हैं उस व्यापार के बारे में मुझको भी जानकारी रहे, क्या नफा नुकसान घाटा जो भी कुछ हो रहा है उसका मैं भी सहभागी बनूं, ये प्रार्थना कर रही हैं, और आप मेरे इस वचन का भी अनुपालन करें जिससे मैं आपके वाम भाग में आऊं। स्वीकार है, स्वीकार है। छह प्रकार की ऋतुएं होती हैं, जानते सभी, सर्दी गर्मी बरसात ऐसे हैं, पर सर्दी संस्कृत के हिसाब से शिशिर ऋतु है, बसंत ऋतु है, हेमंत ऋतु है, ये सारी ऋतुएं दो दो महीने की होती हैं। अब देखो जैसी ऋतु, अब इस समय खरबूजा की ऋतु चल रही है, खरबूजा की है ना, आम की, तो जैसी ऋतु है वैसे ऐसे फल काट करके दिए जाए राधे राधे एक दूसरे के प्रति। हाँ, ऐसा नहीं है कि किचन में उतनी दूसरा ये है कि आपने उनका ऋतु के आधार पर पालन करना। सर्दी के समय पर सर्दी की, गर्मी के समय पर कोई बात नहीं, तूफान आया अभी हल्का सा, सर्दी के समय पर सर्दी के, अगर आप इनका पालन करती हैं तो ये आपके वाम भाग में आती हैं। स्वीकार है। ये सप्तपदा बाबा, सात सहेलियों, ये बहुत विशेष है, इनको कहते हैं महत्वपूर्ण, है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट ही बोलेंगे ना। सात सहेली, जैसे ये सहेली है, एक तो ये सहेली हुई है ना, तो इनके सामने डांट दोगे
तो कोई परेशानी नहीं है ना। सात सहेलियों का मतलब यहाँ सहेली नहीं है, सात सहेलियों का मतलब यहाँ समाज है। आप कहीं गए शादी विवाह में, जैसे और भी कई जोड़े आए ना यहाँ पर, तो अगर कोई गलती बन जाती है तो ऐसा नहीं है तम्बू डेरा लेकर के लड़ने लग जाए ना। थोड़ा सा हल्का सा सावधानी से अलग अकेले में लेकर ले जा करके समझाए कि ऐसा मामला दोबारा ना हो। तो सब कुछ काम भी हो जाए और को भनक भी ना पता पड़े, है ना। डाटा ड्यूटी भी हो जाए मन मन में। लोक मर्यादा डांटने का मतलब है, मेरी लोक मर्यादा का आप अगर देख रेख रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो मैं आपके बाम भाग में आने की तैयार हूँ। ये मेरा सातवां वचन स्वीकार है।